हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे, ओके। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मूविंग चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख रहे हैं जो कि मूव कर रहा है, अब मूव कर रहा है मतलब उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो मान रहे हैं कि वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस मूव करते हुए चार्ज पर एक फोर्स फील होगा। अभी फोर्स फील क्यों होगा? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो एक फोर्स तो फील करेगा। तो एग्जैक्टली कितना फोर्स उस मूविंग चार्ज पे लग रहा है ये हमको फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए समझते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, आप लेट कर रहे हैं कि इधर इस डायरेक्शन पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एंड यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू लेट किए हैं एंड ये मोशन में है, मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन पे, ओके। तो इस कंडीशन पे फोर्स कितना लगेगा ये हमको बताना है। अगर आपको ये डायग्राम टफ जाए तो हम दूसरा डायग्राम बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से एक यूनिफॉर्म एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड है। देन इन दैट केस यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू है एंड ये मोशन में है इस टाइप से, ओके। एंड जो मोशन है, जो वेलोसिटी है वो है लेट कर रहे हैं वी, ओके स्टूडेंट्स। देन इन दैट केस क्या होगा, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा वी कॉस थीटा, एक होगा वी साइन थीटा, राइट। तो आपको पता है कि इधर थीटा होता है उधर क्या होता है, दैट इज वी कॉस थीटा, राइट। एंड परपेंडिकुलर इधर साइड क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा, ओके स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है? तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या लेट किए वो भी क्लियर है कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यू लेट किए हैं, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, लेफ्ट टू राइट पे है एंड ये वेलोसिटी वी से मोशन में है दैट पॉजिटिव चार्ज क्यू, राइट। तो उस कंडीशन पे ये जो मूविंग चार्ज है उस पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो है एक्चुअली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड उसी के बेस पे डेरिवेशन है। चलिए समझते हैं कि जो फोर्स है जो कि फील कर रहा है एक मूविंग चार्ज, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के, ओके। द वेरी फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है, जो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वेलोसिटी के कंपोनेंट के जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, ओके। हमने देखे थे स्टूडेंट्स, डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली जो v साइन थीटा था ये परपेंडिकुलर है, राइट, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। आपको दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो बेसिकली जो ये फोर्स फील कर रहा है मूविंग चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के जो कि परपेंडिकुलर किसके हैं, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड रिलेशन है, जो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के, ओके। तो अगर इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करके लिखे तो हम क्या लिखेंगे, जो ये फोर्स है या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू वी बी साइन थीटा के, ओके। इट इज अ वेरी फेमस फॉर्मूला। तो अगर यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमको मिलता है इक्वल एंड एक कॉन्स्टेंट मिलता है, प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंट दैट इज के। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा एंड यहाँ पे के जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है एंड अगर हम एसआई सिस्टम के लिए बात करें तो इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1, ओके स्टूडेंट्स। तो उस कंडीशन में जो ये फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सो बेसिकली दिस वन इज अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि जो थीटा था वो वी एंड बी के बीच में था, राइट, वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था एंड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है जिसमें हमको साइन थीटा मिलता है, राइट। तो हम लिखेंगे इसको सिंपली एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, जहाँ पे हम तीन केस देखने वाले हैं कि जो एंगल है वो या तो जीरो हो सकता है या फिर 180 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है। डायग्राम के बेस पे समझते हैं कि स्पेशल केसेस कैसे होंगे। अब सपोज कीजिए जो ये मोशन में है, राइट, वो पॉजिटिव स्मॉल चार्ज Q, अगर वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं सपोज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, दैट विल बी जीरो, राइट, दैट विल बी जीरो। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो क्यू वी बी साइन थीटा था, ओके,
उसमें अगर साइन थीटा के बदले जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। तो यानी कि अगर वो चार्ज पार्टिकल जो स्मॉल क्यू है अगर वो मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करने वाला है। दिस वॉज द केस वन। केस टू की बात करते हैं। अब लेट कीजिए कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। पार्टिकल किधर जा रहा है, चार्ज किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है। यानी कि एंगल कितना बन रहा है, 180। तो हम क्या करेंगे, क्यू वी बी साइन 180 रख देंगे। उस कंडीशन में अगर हम 180 रखेंगे तो साइन 180 क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तो उस कंडीशन में भी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जहां पे अगर हम लेट करें कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पे घूम रहा है। ओके, इसका मतलब वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो 90 है। तो उस कंडीशन में हम रखेंगे यहाँ पे क्यू वी बी एंड साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। एंड ये जो हमको मिल रहा है ये मैक्सिमम फोर्स है जो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो फील करता है अगर हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो बेसिकली अगर मैं इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहूँ तो यहाँ पे जो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, तो मैं वहाँ पे वेलोसिटी को लेट कर रहा हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड है, एंड जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, थीटा जो है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब साइन थीटा 1 है। तो उस केस में मेरे को जो फोर्स है एफ इक्वल टू होगा बी के। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इस फोर्स को विथ रिस्पेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पर इक्वल होती है उस फोर्स पे जो कि एक्ट कर रहा है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो कि मूविंग है, यानी कि मूव कर रहा है विद अ यूनिट वेलोसिटी, राइट। वो चार्ज की स्पीड से मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी से, एंड जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के उस पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना भी। चलिए बात करते हैं एसआई यूनिट की, यानी कि हम इस इक्वेशन यानी कि लॉरेंस फोर्स इक्वेशन के बेस से हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, एंड हमको निकालना है बी की। तो बी को सब्जेक्ट बनाओ, इन सबको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो जाएगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा इज इक्वल टू बी, राइट। तो यहाँ पे हमको सबकी यूनिट पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड क्यू की होती है कूलम्स, एंड वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट, दैट विल बी द कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हमको यहाँ से यूनिट मिल जाएगी, दैट इज न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड। ओके, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस कूलम को और चेंज कर सकते हैं। ओके, कैसे चेंज करेंगे, हमको पता है कि चार्ज क्या होता है, दैट इज आई टी, करेंट इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से इनकी यूनिट हो जाएगी, आई की यूनिट होती है एम्पियर, राइट, एंड टाइम की होती है सेकेंड। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, सिंपली इसकी जगह कूलम के बदले रख देंगे हम सिंपली, दैट इज एम्पियर एंड द सेकेंड। तो सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, 1 n-1 की पावर है तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर एंड पर मीटर। ओके, एंड उसके अलावा हमको पता ही है कि ऐसे यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। तो इसका मतलब 1 newton per ampere per meter इज इक्वल टू 1 tesla होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर इस फॉर्मूले के बेस पे मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं 1 tesla अगर वहाँ पे 1 coulomb चार्ज मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी परपेंडिकुलर किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के। ओके स्टूडेंट्स, एंड वो जो चार्ज है वो यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो फील करता है 1 newton का फोर्स उस पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे गाउस का रिलेशन दिखाएं टेस्ला के साथ, तो होता है दैट इज 1 gauss इज इक्वल टू 10^-4 tesla, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस फॉर्मूले के बेस पे जो कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, उसके बेस पे भी हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, हमको यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बी का, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का। इसको सब्जेक्ट बनाइए तो जाएगा बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ओके, नाउ यहाँ पे फोर्स है, राइट, एफ क्या फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एम एल टी माइनस टू, राइट। क्यू, अब क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, आई होता है एम्पियर, टाइम होता है टी, तो जाएगा ए टी। वी होता है एल टी माइनस वन,
एंड साइन थीटा एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा दैट इज एम एल जीरो, क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाएगा राइट, एंड देन टी माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे टी एंड ये टी कैंसिल हो गया है तो टी माइनस टू ही रहेगा, एंड एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर माइनस वन। ओके, तो ये था इसका डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की ये जो फोर्स हम देख रहे हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स जो है, ये एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन की बात करें कि किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो अगर हमको इस फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो दो रूल हैं उसके लिए, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला रूल है राइट हैंड पाम रूल नंबर टू, क्योंकि हमने पाम रूल ऑलरेडी पढ़े हैं इसलिए इसको बोला गया कि राइट हैंड पाम रूल नंबर टू। ये किसका रूल है? अगर हमको मैग्नेटिक लॉरेंट्ज़ फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है तो। सेकेंड है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको डायरेक्टली अपने हैंड से दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। अगर आपको ये थ्योरी पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए समझते हैं उस थ्योरी को। सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा राइट हैंड है। ओके, अगर मैं इस राइट हैंड में इन फिंगर्स को एक साइड पे रखूँ, इन थंब को 90 डिग्री पे एक्सपांड करूँ, तो उस केस में अगर ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, ओके, एंड जो ये थंब है अगर ये पॉइंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, तो उस केस में जो ये आपका पाम है, जो ये हथेली है, वो आपको दिखाती है कि फोर्स किधर लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था सिंपल राइट हैंड पाम रूल नंबर टू। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल नंबर टू पे। इसमें हम ये तीन फिंगर्स का यूज़ करेंगे, इट मीन्स दो फिंगर्स लेंगे, एक फोर फिंगर है, एक मिडिल फिंगर है, एंड थंब का यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर ये वाली फोर फिंगर पॉइंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को एंड मिडिल फिंगर पॉइंट कर रही है करेंट की डायरेक्शन को, तो उस केस में जो आपको ये थंब पॉइंट कर रहा है वो होगा फोर्स की डायरेक्शन। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, जब आप इन तीनों को स्ट्रेच कर रहे हैं हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।